आज हम 11th क्लास के लिए मात्रक और बीमा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मात्रक और बीमा के लिए ये पहले भी वीडियो बनाया गया था, लेकिन उसमें वॉइस क्वालिटी सही ढंग से नहीं होने के कारण वो सही से यूज नहीं हो पाता। तो आज हम मात्रक और बीमा के बारे में चर्चा करेंगे। बिल्कुल बेसिक से मात्रक और बीमा में है क्या कि मात्रक और बीमा 11th वाले और 12th वाले दोनों के लिए काम आता है, और साथ में जनरल कंपटीशन में भी मात्रक और बीमा से रिलेटेड सवाल आता है। तो आज हम चाहेंगे कि मात्रक और बीमा से रिलेटेड जितना बेसिक है वो सारा खींच के निकाल दें। उसके बाद मात्रक और बीमा में 2-3 क्लास लगेगा पूरा बताने में, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से इसको निपट दें। ये 11th क्लास के लिए कारगर है। जितने भी 11th के बच्चे हों सब अपना अपना चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको लगातार वीडियो मिलता रहे। अभी इस सीरीज में हम 10th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए और 11th क्लास के लिए बिहार बोर्ड के हिंदी मीडियम के लिए और हिंदी माध्यम में ही हम वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद पुनः 9th क्लास के लिए भी हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम 11th, 12th और 10th क्लास के लिए सीरीज लाए हैं, और सबके लिए एक एक करके वीडियो हम बनाते रहेंगे, और सबका बाद में हम प्लेलिस्ट भी बना देंगे चैप्टर वाइज। तो ये आज हम मात्रक और बीमा के बारे में चर्चा करेंगे जो कि 11th के लिए कारगर है, हालांकि 12th वाले बच्चों को भी ये काम आएगा। तो मात्रक और बीमा अगर अंग्रेजी में इसको लिखें तो यूनिट्स एंड डायमेंशन। ये डायमेंशन के बारे में हम पहली मर्तबा पढ़ेंगे, लेकिन मात्रक के बारे में हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में बेसिक के रूप में। तो मात्रक क्या होता है, तो मात्रक लिख करके अगर हम डैश दें, यानी यूनिट के बारे में अगर हम पढ़ना चाहें कि ये यूनिट क्या है, तो हम एक लाइन में कह सकते हैं किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक मान या एक माना गया मान आवश्यक होता है, जिसे हम लोग मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक मान या माना गया मान होता है, मानक मान को ही माना गया मान कहते हैं। अगर अंग्रेजी में बोलें तिथि, इट इज़ ए स्टैंडर्ड वैल्यू विच इज़ यूज टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड यूनिट। तो हर मात्रक को मापने के लिए अलग अलग माना गया मान है। तो अब हम आते हैं भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक मान की आवश्यकता होती है, जिसको मात्रक कहते हैं। अब है कि भौतिक राशि कोई पूछे कि ये भौतिक राशि क्या होता है, तो भौतिक राशि के बारे में भी हम चर्चा कर लें। भौतिक राशि को अंग्रेजी में फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ये भौतिक राशि है, ये एक ऐसा राशि है जिसे हम देख सकें या नहीं तो कम से कम अनुभव कर सकें तथा इसे आसानी से मापा जा सके, ये भौतिक राशि कहलाता है। या इसी को अंग्रेजी में बोले तो द क्वांटिटी विच कैन बी सीन और एटलीस्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड एंड कैन बी मेजर्ड ईजीली कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। या इसी को एक लाइन में बोलना हो तो स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, मेजरेबल क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी मापने योग्य राशि को हम भौतिक राशि कहते हैं। मतलब जिसको हम देख सकें या नहीं तो कम से कम अनुभव कर सकें तथा उसे आसानी से मापा जा सके, भौतिक राशि कहलाता है। जिसे देख सके, जैसे लंबाई स्पष्ट रूप से दिखता है, लेकिन समय दिखता नहीं लेकिन अनुभव होता है। जैसे तापमान, ये भी दिखता नहीं लेकिन अनुभव कर सकते हैं और उसे आसानी से माप सकते हैं। विद्युत धारा, यह भी दिखता नहीं है लेकिन इसे अनुभव कर सकते हैं तथा इसे आसानी से मापा जा सकता है, यह भी एक भौतिक राशि है। अब है कि मात्रक के प्रकार के बारे में अगर हम आएंगे, मात्रक के प्रकार को हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट। क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट।
ये मात्रक के मेनली तीन प्रकार होते हैं। एक को मूल मात्रक को ही आधारी मात्रक भी कहते हैं, इसको फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट कहते हैं, दूसरा एक होता है व्युत्पन्न मात्रक को डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। ये व्युत्पन्न मात्रक है। और एक होता है पूरक मात्रक को हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। प्रिंसिपल सर को बोल देना तभी मेरे पास एक सप्लीमेंट्री यूनिट, ये पूरक मात्रक। तो मात्रक के प्रकार एक मूल मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक और एक क्या पूरक मात्रक। तो अब कोई पूछेगा मूल मात्रक क्या होता है, तो मूल मात्रक एक ऐसा मात्रक है जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, वह मूल मात्रक कहलाता है। या इसी को ऐसे कह दें द यूनिट विच इज इंडिपेंडेंट, या एक ऐसा मात्रक जो अपने आप में स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होने का मतलब है कि किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, यह क्या कहलाता है मूल मात्रक कहलाता है। मूल मात्रक सात होते हैं। तो सात कौन कौन होते हैं, एक तरफ हम भौतिक राशि और दूसरे तरफ उसका मात्रक लिखते हैं। मात्रक को अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो ये यूनिट, और भौतिक राशि को अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो एक होता द्रव्यमान, क्या होता द्रव्यमान, इसको अंग्रेजी में मास कहते हैं, एक होता है लंबाई को अगर अंग्रेजी में लिखें तो लेंथ कहेंगे। और दूसरा था ये, तीसरा एक होता समय, जिसको हम लोग टाइम कहते हैं, समय को हम लोग क्या कहते हैं टाइम कहते हैं। और चौथा एक होता है तापमान, क्या होता तापमान, जिसको हम लोग टेम्परेचर कहते हैं, क्या कहते हैं टेम्परेचर कहते हैं। और एक टर्म होता है विद्युत धारा को अंग्रेजी में अगर लिखें तो इलेक्ट्रिक करंट, इसके लिए मात्रक लिखेंगे। तो द्रव्यमान का मात्रक होता किलोग्राम, जिसको शॉर्ट में केजी लिखेंगे। लंबाई का मात्रक होता मीटर, जिसको शॉर्ट में एम लिखेंगे। समय का मात्रक होता है सेकेंड, जिसको शॉर्ट में सीधा एस लिख देंगे। टेम्परेचर का मात्रक होता केल्विन, जिसको सीधा हम के लिख देंगे। और एक टर्म होता विद्युत धारा, जिसको हम लोग एम्पियर यानी AMP लिख के छोड़ देंगे। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, तापमान का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ये पाँच है। अब हम दो और के बारे में बात करते हैं। तो जैसे छठा, एक होता है पदार्थ की मात्रा और एक होता है ज्योति तीव्रता। हम ज्योति तीव्रता के बारे में बात करेंगे। ज्योति तीव्रता को कई बार प्रकाश की तीव्रता भी लिखते हैं। और इसका जो मात्रक होता है ये कैंडेला होता है, जिसको शॉर्ट में CD से डिनोट करते हैं। एक कैंडल को जलाने के बाद जितने लाइट प्राप्त हुए उसको एक यूनिट के रूप में माना गया, जिसको हम लोग कैंडेला कहते हैं। कैंडल का मतलब मोमबत्ती होता है। एक स्टैंडर्ड कैंडल को जलाने के बाद जो लाइट
प्राप्त हुआ उसी लाइट या उसकी जो तीव्रता थी उसी को हम लोग कैंडेला बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यही है कैंडेला। और एक पदार्थ होता पदार्थ की मात्रा, क्या होता पदार्थ की मात्रा, इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये पदार्थ की मात्रा है। और इसकी मात्रक जो होगा ये मोल होगा, इसका मात्रक क्या होगा मोल होगा। तो ये था मूल मात्रक। मूल मात्रक के बाद मूल मात्रक को ही हम लोग आधारी मात्रक भी कहते हैं। ये एक ऐसा मात्रक है जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, यह अपने आप में स्वतंत्र होता है। इसके बाद जो हम आएंगे वो आएंगे व्युत्पन्न मात्रक पर। दूसरा क्या है व्युत्पन्न मात्रक, इसी व्युत्पन्न मात्रक को हम लोग डिराइव्ड यूनिट भी कहते हैं। इसी व्युत्पन्न मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। ये डिराइव्ड यूनिट क्या है, एक ऐसा मात्रक, एक ऐसा मात्रक जो मूल मात्रक से बनाया जाता है या मूल मात्रक पर निर्भर करता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। और इसका एग्जांपल अगर हम लिखें तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड, न्यूटन, ईटीसी, ये सब क्या है, ये सब जो है मूल मात्रक के सहायता से बनाया जाता है या मूल मात्रक पर निर्भर करता है। ये व्युत्पन्न मात्रक था। और तीसरा होता पूरक मात्रक। तीसरा क्या होता पूरक मात्रक, पूरक मात्रक को हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट में क्या होगा, यह इसका डिफिनेशन अगर हम लिखें तो एक ऐसा मात्रक जो मूल मात्रक का उपसमूह होता है, एक ऐसा मात्रक जो मूल मात्रक का उपसमूह होता है यह पूरक मात्रक कहलाता है। एक ऐसा मात्रक जो मूल मात्रक का उपसमूह होता क्या कहलाता पूरक मात्रक कहलाता है। इसके दो एग्जाम्पल हैं, दो एग्जाम्पल में कौन कौन है, तो एक समतल कोण, एक है समतल कोण जिसको हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। समतल कोण का जो मात्रक होता है ये रेडियन होता है। समतल कोण का मात्रक क्या हो जाएगा रेडियन, जो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है ये रेडियन ही है। ये समतल कोण मतलब एक ऐसा कोण जो किसी एक तल में हो, जैसे दो लाइन के बीच का कोण, ये एक समतल कोण है। एक होता है ठोस कोण या घन कोण, ठोस कोण या घन कोण, इसको अंग्रेजी में सॉलिड एंगल या क्यूबिक एंगल कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है ये एस्टे रेडियन होता है, एस्टे रेडियन। ये जैसे आइसक्रीम, कुल्फी वाला आइसक्रीम खाते होंगे तो वो आइसक्रीम में जो कोन के जो लास्ट इंड पे, कोन के जो लास्ट इंड पे थ्री डायमेंशनल एंगल बनता है, ये थ्री डायमेंशनल एंगल एक सॉलिड एंगल है, इसको एस्टे रेडियन मापेंगे। जैसे कोई गोला है तो गोले के सेंटर पे जो थ्री डायमेंशनल एंगल बनता है वो फोर पाई का बनता है, वो भी एक थ्री डायमेंशनल एंगल है, इसको सॉलिड एंगल या क्यूबिक एंगल कहते हैं। जिसको लिखना हो वीडियो को पॉज करके अपना लिखते रहेंगे, जो बोले हैं उसी को लिख देना है। इसमें दो ही मात्रक होते हैं, एक समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण का मात्रक रेडियन और ठोस कोण का मात्रक एस्टे रेडियन। अब हम मतलब दो पूरक मात्रक और सात मूल मात्रक, तो सात दो नौ मात्रक को छोड़ करके पूरे फिजिक्स में जितने भी मात्रक मिलेंगे सब व्युत्पन्न मात्रक का एग्जाम्पल होगा। अब हम आते हैं मात्रक के पद्धति के बारे में चर्चा करते हैं। मात्रक की पद्धति एक्चुअल में आया कहाँ से, तो अलग अलग देश के लोग अलग अलग तरीके से मापते थे लंबाई को, द्रव्यमान को, तो ये अलग अलग पद्धति के रूप में जाना गया जो बहुत फेमस है उसको हम लोग पढ़ते हैं। जैसे एक होता एमकेएस सिस्टम या इसी को एमकेएस पद्धति कहते हैं, एक होता है सीजीएस सिस्टम जिसको सीजीएस पद्धति कहते हैं, और एक होता है एफपीएस, एक होता है एफपीएस सिस्टम जिसको हम लोग एफपीएस पद्धति कहते हैं,
और एक होता है SI जिसको हम लोग सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं। अब MCAS का पूरा नाम पूछें तो MCAS का जो पूरा नाम है ये नाम है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। इसका पूरा नाम कई बार पूछता है कि MCAS का पूरा नाम क्या है, तो इसको लिखेंगे मीटर किलोग्राम मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। कोई पूछेगा MCAS पद्धति क्या है, तो हम एक लाइन में बोलेंगे एक ऐसा पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है, ये एक MCAS पद्धति है। MCAS पद्धति को हम लोग मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, याद रखेंगे मीट्रिक पद्धति। अब है CGS पद्धति। CGS पद्धति का अगर पूरा नाम पूछे तो इसका नाम है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। इसको पूरा नाम अगर लिखेंगे तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। इसको अगर पूछेंगे कि यह पद्धति है क्या, तो एक ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, ये CGS पद्धति है। CGS पद्धति का अनदर नाम गॉसियन पद्धति भी है, क्योंकि गॉस एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्हीं के नाम पे इसको गॉसियन पद्धति कहा जाता है CGS पद्धति को। ये चूँकि फ्रांस का पद्धति था तो वहीं के एक साइंटिस्ट थे गॉस साहब, जिसको गॉसियन पद्धति कहते हैं। ये FPS पद्धति क्या है, तो FPS पद्धति का अगर पूरा नाम पूछेंगे या लिखेंगे तो फुट पाउंड सेकंड पद्धति। मतलब एक ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापते हैं, यही फुट पाउंड सेकंड पद्धति कहलाता है। इसी को फुट के बदले कई बार फीट भी लिखते हैं। अगर एक पाउंड बराबर लिखना हो तो एक पाउंड जो होता है 453 ग्राम के बराबर होता है, याद रखेंगे एक पाउंड बराबर 453 ग्राम। कई बार इसको लोग उल्टा पूछता है कि एक केजी में कितना पाउंड, तो 2 point something पाउंड आएगा, क्योंकि 453 ग्राम का एक पाउंड है, तो हम निकाल लेंगे कि 1000 में कितना पाउंड आएगा। तो इसे ब्रिटिश मात्रक पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्रिटेन यानी इंग्लैंड वाले लोग सब इसको यूज करते थे, इसलिए इसके ब्रिटिश मात्रक पद्धति भी कहते हैं। अब है कि SI का पूरा नाम क्या है, तो SI का जो पूरा नाम है ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। इसका पूरा नाम क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। ये अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति ये एक ऐसी पद्धति है कि पूरी दुनिया के लोग इसी पद्धति में मापते हैं, ताकि किसी भी अलग अलग देश के लोग अलग अलग देश में अगर जाए या काम करने के उद्देश्य से जाए या रहने के उद्देश्य से जाए तो ये कन्वर्सन फैक्टर में परेशानी ना हो, यानी एक दूसरे के बात को समझने में परेशानी ना हो, तो पूरे किसी भी भौतिक राशि को एक ही मात्रक पद्धति में मापा जाता है। जैसे हम लोग द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, तो फ्रांस और अमेरिका या सऊदी अरब में वहाँ भी द्रव्यमान को किलोग्राम में ही नापा जाता है, या हम लोग लंबाई को मीटर में नापते हैं तो दूसरे देश के लोग भी मीटर में ही नापते हैं, ताकि इंजीनियर यहाँ का इंजीनियर वहाँ काम करने जाए या वहाँ का इंजीनियर किसी और देश में काम करने जाए, तो ये सब परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो सभी जो मूल मात्रक है वो SI मात्रक का एग्जाम्पल है। सभी मूल मात्रक किसका एग्जाम्पल है, SI मात्रक का एग्जाम्पल है। तो अब हम आते हैं मात्रक की पद्धति के बाद बीमा में, किस चीज़ में आते हैं बीमा में, यानी डायमेंशन। ये डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन के बारे में हम बात करते हैं। किसी भी भौतिक राशि को निरूपित करने के लिए मूल मात्रक के ऊपर घात बढ़ाया जाता है, उसको बीमा कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को निरूपित करने के लिए मूल मात्रक के ऊपर घात बढ़ाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं।
जैसे एग्जांपल में एम पर पावर एक्स, एल पर पावर वाई और टी पर पावर जेड, यही है बीमा। ये जो पावर है घात का जो अंक है यही है बीमा। यहाँ जो एक्स कोमा वाई तथा जेड जो है यही क्या है, बीमा का काम करता है। फिर सुनेंगे, किसी भी भौतिक राशि को निरूपित करने के लिए मूल मात्रक के ऊपर जो घात बढ़ाया जाता है यानी पावर रेज किया जाता है इसको बीमा कहते हैं। बीमा एक तरीके का हड्डी के ढांचे के तरीके का है कि एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि किस मतलब इसे केवल ये पता चल जाता है कि किस जाति का ये स्केल्टन है, लेकिन एग्जैक्टली जैसे भैंस का स्केल्टन है तो पता चल जाएगा भैंस का स्केल्टन, लेकिन कौन से भैंस का स्केल्टन है या जैसे कुत्ता का स्केल्टन पता चल जाएगा ये कुत्ता का स्केल्टन है, लेकिन किस कुत्ते का स्केल्टन है ये पता नहीं चलता। तो एक तरीके से जाति पता चल जाता है, जैसे पता चल जाएगा ये फोर्स या वर्क, तो फोर्स है तो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है कि मैग्नेटिक फोर्स है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस बात का पता नहीं चल पाता। तो बीमा एक तरीके के ढांचे के समान है, मोटा मोटी ये पता चल जाएगा कि कौन सा भौतिक राशि है, लेकिन एग्जैक्टली वही है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। अब बीमा में किसके लिए क्या क्या सब सिंबल देते हैं तो देखते हैं। एक तरफ हम भौतिक राशि लिखते हैं और दूसरी तरफ हम बीमा लिखते हैं। एक तरफ हम भौतिक राशि और दूसरी तरफ क्या लिखते हैं, बीमा। तो भौतिक राशि जैसे मास, मास यानी द्रव्यमान, तो द्रव्यमान यानी मास के लिए जो बीमा देते हैं ये एम देते हैं, ये क्या देते हैं, एम देते हैं। एक तरफ होता लेंथ, लेंथ यानी लंबाई, लंबाई के लिए जो बीमा में हम इस्तेमाल करते हैं ये एल का इस्तेमाल करते हैं। और एक होता है टाइम, टाइम के लिए जो यानी समय के लिए जो बीमा में इस्तेमाल करते हैं ये कैपिटल टी का इस्तेमाल करते हैं। एक बार टेम्परेचर, टेम्परेचर शॉर्ट में हम लिख देते हैं, इसको तापमान कहते हैं। इसके लिए जो बीमा में इस्तेमाल हम लोग करते हैं के या नहीं तो थीटा, एक्चुअल में टेम्परेचर के लिए भी टी होना चाहिए लेकिन इसलिए नहीं करते क्योंकि टाइम के लिए टी का इस्तेमाल हो चुका है, तो टेम्परेचर के लिए इसके मात्रक के या नहीं तो उसके बदले एक संकेत आता है थीटा, उसका इस्तेमाल करते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए यानी विद्युत धारा के लिए, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के लिए जो बीमा में इस्तेमाल होता है इसके लिए ये ए का इस्तेमाल करेंगे यानी तो आई का इस्तेमाल करेंगे। इन सब के अलावा एक और टर्म का उपयोग होता है बीमा में, आवेश यानी चार्ज, चार्ज के लिए जो बीमा में आता है ये क्यू, चार्ज के लिए जो बीमा में आता है ये क्यू का इस्तेमाल करते हैं। मास के लिए हम, लेंथ के लिए एल, टाइम के लिए टी, टेम्परेचर के लिए के या थीटा, इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए आई और विद्युत धारा के लिए ए आई और आवेश के लिए क्यू का इस्तेमाल करते हैं। भौतिक राशि के लिए ये बीमा का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा एक चीज़ और, बीमीय सूत्र जब कभी भी हम लिखते हैं तो बड़ी ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं, इस बात का हम चर्चा करेंगे। पूरे मात्रक और बीमा में हम कम से कम शुरुआत का 5 मात्रक और बीमा याद रखेंगे तभी जा कर के आगे का मात्रक और बीमा का काम आसान होगा, अन्यथा ये भूलने का डर बना रहता है। एक हम पहला बताते हैं चाल, चाल का जो फार्मूला, अच्छा मात्रक और बीमा जो हम मात्रक निकालते हैं इसके लिए फार्मूला याद होना ज़रूरी है, बिना फार्मूला का ये मात्रक नहीं निकलेगा और मात्रक के बिना बीमा नहीं निकलेगा। तो ये इसको सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग याद रखेंगे। चाल बराबर होता दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। इसी को अंग्रेजी में अगर लिखेंगे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चाल का अगर ऐसा ही मात्रक लिखेंगे, चाल का ऐसा ही मात्रक, तो देखो ऐसा ही मात्रक क्या होगा, ऐसा ही मात्रक तो डिस्टेंस दूरी है, दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा सेकेंड, ये क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। चाल का ये SI मात्रक है। अगर चाल का CGS मात्रक देख लें तो चाल का CGS मात्रक क्या हो जाएगा, तो CGS मात्रक में पुनः देखेंगे फार्मूला क्या, दूरी बटे समय। तो CGS का फुल फॉर्म जो होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मतलब दूरी को यहाँ किस चीज़ में मापा जाएगा, सेंटीमीटर में, और समय को पुनः सेकेंड में, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये चाल का CGS मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से चाल का अगर FPS मात्रक देखेंगे, चाल का FPS मात्रक, तो FPS मात्रक क्या हो जाएगा, इसके लिए भी देखेंगे दूरी बटे
समय में परिवर्तन, इसी को अंग्रेजी में लिखेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी बटे चेंज इन टाइम। तो ए का मात्रक लिखेंगे अब, ए का एसआई मात्रक अगर लिखोगे तो एसआई मात्रक क्या होगा, वी वेग, तो वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और टी टाइम है, टाइम का मात्रक सेकेंड, ये पुनः ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकेंड और ये पर सेकेंड, तो एक बार में अगर लिखेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा स्क्वायर, आधार समान है पावर जुट जाएगा तो माइनस वन और माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस टू। ए का अगर सीजीएस मात्रक लिखेंगे, सीजीएस मात्रक तो देखो क्या होगा डेल्टा भी, तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा, इसका जो मात्रक होता है वेग है तो वेग का मात्रक सेंटीमीटर पर सेकेंड, पुनः नीचे सेकेंड, तो एक बार में अगर लिखेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा ए यानी त्वरण का अगर बीमा लिखेंगे तो बीमा क्या होगा, त्वरण का अगर बीमा लिखेंगे तो मीटर लंबाई का मात्रक है, मीटर लंबाई का मात्रक तो इसके लिए एल, सेकेंड टाइम का मात्रक है तो टी, और जिस पे जितना पावर है डाल देंगे, चूँकि सेकेंड पावर यहाँ माइनस टू है तो वहाँ भी पावर माइनस टू कर दिए। ये था त्वरण, तो त्वरण भी हो गया। अब हम डायरेक्ट आते हैं बल पर, तो बल के लिए मात्रक और बीमा में क्या आएगा, अब हम देखते हैं ये बल, बल बराबर जो होता है ये द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, क्या होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, और बल को अंग्रेजी में कहते हैं फोर्स, क्या कहते हैं फोर्स, फोर्स इक्वल क्या होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए द्रव्यमान गुना त्वरण। देखो क्या करते हैं एफ बराबर एम ए, अब बात करो एफ का मात्रक, एफ का मात्रक क्या हो जाएगा तो देखेंगे एम में एम द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा किलोग्राम, ए त्वरण है तो त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही एक नया नाम न्यूटन दिया जाता है। अगर एफ यानी बल का सीजीएस मात्रक की बात करेंगे तो सीजीएस मात्रक में पुनः लिखेंगे एम द्रव्यमान है, सीजीएस का पूरा मतलब होता ही है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो द्रव्यमान को यहाँ किस में मापेंगे ग्राम में, द्रव्यमान किस में मापेंगे तो ग्राम में, और त्वरण को तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग एक नया नाम डाइन देते हैं, क्या देते हैं डाइन देते हैं। अगर इसी में बीमा की अगर बात करेंगे तो देखो बीमा क्या करेंगे, तो ये एम द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो किलोग्राम के लिए जो बीमा आएगा ये एम, मीटर लंबाई का मात्रक है इसके लिए जो बीमा आता है वो एल, सेकेंड टाइम का मात्रक है इसके लिए जो बीमा आता है टी, और जिस पे जितना पावर है डाल दो, किलोग्राम पे कोई पावर नहीं तो एम पे भी कोई पावर नहीं, मीटर पे कोई पावर नहीं तो यहाँ भी एल पे कोई पावर नहीं, सेकेंड पावर माइनस टू था तो बीमा पावर माइनस टू डाल दिया गया। ये था बल। इसी तरीके से एक होता कार्य, क्या होता कार्य, कार्य के बारे में भी हम चर्चा करते हैं कि कार्य का फार्मूला क्या होता है, कार्य बराबर जो होता है जैसे ये कार्य, तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, क्या होता बल गुना विस्थापन, तो बल गुना विस्थापन इसको बोलते हैं वर्क, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अतः फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट, डिसप्लेसमेंट, तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, तो W इक्वल टू एफ इंटू एक्स। अब है कि W का मात्रक क्या होगा, तो W यानी कार्य का मात्रक, तो F बल, तो बल का मात्रक क्या होगा न्यूटन, x विस्थापन तो इसका मात्रक क्या होगा मीटर, तो इसी न्यूटन मीटर को हम लोग जूल भी लिख देते हैं। कई बार बोलेगा सर बल का मात्रक हम न्यूटन नहीं लिख करके ऐसा लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चलो ये भी लिख सकते हैं, विस्थापन एक तरीके का दूरी है तो इसका मात्रक मीटर, अब इन दोनों को मिलाओ तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर, इसी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम पुनः जूल लिख सकते हैं। अगर इसी में सीजीएस मात्रक की बात करें कि सीजीएस मात्रक क्या होगा, तो देखेंगे बल का सीजीएस मात्रक क्या होगा तो डाइन,
बल का सीजस मात्रक होगा डाइन और विस्थापन का जो सीजस मात्रक होगा सेंटीमीटर। तो इसी डाइन इंटू सेंटीमीटर को हम लोग अर्ग लिख सकते हैं। और कोई बोलेगा सर डाइन नहीं लिख करके बल का सीजस मात्रक में हम ऐसे लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ठीक है ये भी लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक तरीके का दूरी है तो इसका मात्रक सेंटीमीटर, तो पुनः सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको भी हम लोग पुनः अर्ग लिख सकते हैं। अर्ग भी एक साइंटिस्ट का नाम है, अंग्रेजी में लिखो या हिंदी में लिखो एक ही तरह से लिखाएगा। अब पुनः इसका बीमा, तो बीमा देखो या तो यहाँ से लिख लो या तो यहाँ से लिख लो। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मास का मात्रक है तो एम, मीटर लंबाई का मात्रक है एल और एल पावर टू, सेकेंड टाइम का मात्रक है टी, टी पावर माइनस टू। तो आज भर हम इतना ही छोड़ते हैं। ये शुरू का चार पांच अगर याद रखेंगे आप तो मेरे ख्याल से पूरे एलेवंथ और ट्वेल्थ में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यही मात्रक और बीमा बार बार रिपीट होकर के नए मात्रक और बीमा निकलता जा रहेगा, इसी का उपयोग करके हम लोग आगे निकालते रहते हैं। तो आज भर हम इतना ही छोड़ते हैं, मिलते हैं अगले दिन।